नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, या फिर भारत की विदेश नीति क्या है। भारत की विदेश नीति, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के बारे में पढ़ा था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका चूंकि विश्व की एक महाशक्ति है, तो उसकी विदेश नीति किस प्रकार की है, किस प्रकार अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में जो उसके प्रमुख आधार है, सिद्धांत है, क्योंकि हर राष्ट्र की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होती है। हर देश की विदेश नीति जो है वो अपने देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का साधन होती है। विदेश नीति, हर देश की विदेश नीति की अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग सिद्धांत होते हैं जो उस देश की आंतरिक बाह्य परिस्थितियां, उसका भौगोलिक वातावरण है, उसके आर्थिक संसाधन कैसे हैं, उसकी औद्योगिक स्थिति कैसी है, एक राष्ट्र किस प्रकार आर्थिक औद्योगिक और सैनिक दृष्टि से विकसित अवस्था में है, या उसका किस प्रकार का डेवलपमेंट है, उस पर उस देश की विदेश नीति निर्भर करती है। तो इस आधार पर हम भारत की विदेश नीति के बारे में बच्चों चर्चा करेंगे कि भारत की विदेश नीति क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसके प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो हमारे देश की विदेश नीति जो है वह शुरू से ही आदर्शवाद पर आधारित रही है। भारत ने, क्योंकि हमारे जो क्योंकि हर देश की विदेश नीति पर उस देश की संस्कृति का और उस देश की सांस्कृतिक मूल्यों का, सभ्यता का भी प्रभाव पड़ता है। तो चूंकि भारतीय संस्कृति सद्भाव वाली रही है, वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित रही है, सहिष्णुता पर आधारित रही है, तो इसलिए हमारी विदेश नीति में भी एक प्रकार से शांतिपूर्ण अस्तित्व का, सहिष्णुता का, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो उसका मूल आधार है। तो हम भारत की विदेश नीति को जो पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमने, क्योंकि हमारा शुरू से हमारे यहाँ सिद्धांत रहा है कि हम दूसरे देशों के साथ भारत अपने के संबंधों को मधुर और सद्भावनापूर्ण शुरू से ही रखता आया है, और वर्तमान समय में भी हम देखें तो भारत की विदेश नीति में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है कि हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण रूप से अपने संबंधों को किस प्रकार मधुर और शांतिपूर्ण बनाए रखते हैं। तो भारत की विदेश नीति, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे संविधान में भी हमारी विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 51 में भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं कि कैसे भारत पंचशील के सिद्धांतों पर, भारत अपनी विदेश नीति के पालन में पंचशील के सिद्धांतों पर चलेगा। भारत की विदेश नीति गुणनिरपेक्षता पर आधारित होगी व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन और उसके अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर भारत की विदेश नीति आधारित होगी। तो हमने जो विदेश नीति के जो अपने आधारभूत सिद्धांत बनाए, उसमें शुरू से लेकर आज तक मूलभूत जो सिद्धांत है हमारी विदेश नीति के, जो मूलभूत तत्व है वो, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय, जो कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय शीत युद्ध का टाइम था, तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो शीत युद्ध की जो स्थिति थी, उस समय दुनिया दो गुटों में बट गई थी। तो भारत ने उस समय न स्वतंत्र देशों के सामने एक नई नीति, एक नई स्वतंत्र नीति रखी, जो हमारे देश की विदेश नीति का मूल आधारभूत तत्व बनी, और अन्य देशों के सामने भी भारत ने उस नीति को रखा ताकि न स्वतंत्र राष्ट्र स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सके। तो गुणनिरपेक्षता की नीति जो कि उस समय प्रतिपादित की गई थी और भारतीय विदेश नीति का वह मूलभूत तत्व बनी, मूलभूत आधार बनी। हालांकि समय के अनुसार, जब नेहरू का समय था तो उस समय भारतीय गुणनिरपेक्ष नीति एक परंपरागत रूप से आदर्शवाद पर आधारित थी, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदली, समय और परिस्थितियों को देखते हुए उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हुए उसको थोड़ा यथार्थवादी बनाया गया। जैसे इंदिरा गांधी के समय में जो सोवियत संघ के भारत की घनिष्ठ मैत्री थी, तो उस स्थिति में इस तरह मॉडिफाई किया गया उस गुणनिरपेक्ष नीति को कि अपने मित्र, घनिष्ठ मित्र बनाना गुणनिरपेक्षता से पीछे हटना नहीं होता है। तो उस आधार पर थोड़ा थोड़ा अपनी विदेश नीति को, जैसे नेहरू के समय में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, या भारतीय विदेश नीति पर हम पंडित नेहरू के व्यक्तित्व का प्रभाव देख सकते हैं। तो उस समय भारतीय विदेश नीति आदर्शवाद पर, आदर्शवादी सिद्धांतों पर आधारित थी, और उस आदर्शवाद
में कि भारत ने एक प्रकार से इस प्रकार हमारी विदेश नीति का निर्धारण कर रखा था कि हम सभी राष्ट्रों से हमारे मित्रतापूर्ण संबंध रहेंगे, मधुर संबंध रहेंगे। तो उसी स्थिति में चीन के साथ भारत के जो संबंध थे उसमें चीन से जो धोखा मिला, उसके बाद भारतीय विदेश नीति में यथार्थवादिता के तत्व, मतलब भारतीय विदेश नीति को थोड़ा सा यथार्थवाद की ओर ले जाने का प्रयास किया गया, ताकि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाकर किसी प्रकार के आदर्शवाद में नहीं रहे। तो यहाँ पर भारतीय विदेश नीति की जो मूलभूत विशेषताएं हैं वो हमारे देश की एक जो व्यवस्था है, हमारे देश का जो नेतृत्व है वो उसके अनुसार मूलभूत जो सिद्धांत है, विशेषताएं, वो शुरू से लेकर जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर अब तक वो विद्यमान है। जैसे पंचशील के सिद्धांत हैं, गुण निरपेक्षता की नीति है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का पालन और अपने मित्र राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना। तो भारत की विदेश नीति का एक मूलभूत तत्व है कि भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध की नीति पर चलेगा। तो भारत की वो नीति शुरू से लेकर अब तक चली आ रही है। तो भारत ने अपनी उस भारत की जो एक विदेश नीति का जो मूलभूत आधार है कि हम कैसे अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करते हैं करेंगे और अन्य देशों के साथ भी, अन्य जो महाशक्तियाँ उनके साथ भी भारत के जो संबंध है वो किस प्रकार हम अपने संबंधों को मधुर करेंगे, और जिस प्रकार विश्व में भारत में क्योंकि भारत की गुण निरपेक्षता की नीति यह नहीं कहती है कि विश्व में कहीं पर भी युद्ध हो रहा हो या संघर्ष हो रहा हो या विवाद हो रहा हो तो हम चुपचाप बैठकर तमाशा देखें। भारत की विदेश नीति हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभाने की रही है, यानी कि उस समय भी हमारी विदेश नीति का एक आधार था कि जहाँ कहीं भी न्याय को खतरा उत्पन्न होता हो, स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न होता हो, तो वहाँ न हम तटस्थ रहेंगे न रह सकते। तो यही सार है हमारी विदेश नीति में, जो निरपेक्षता का जो तत्व है, जो मूलभूत तत्व है, उसका यही सार है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो है विभिन्न देशों की सहायता करना, विभिन्न देशों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराना, जो गरीब जो राष्ट्र उनको भी भारत अपनी ओर से जब दुनिया में किसी भी प्रकार की आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा या फिर मानवीय आपदा है, तो उसमें भारत अपनी ओर से भारत हमेशा सहायता दूसरे राष्ट्रों की सहायता करने के लिए भारत सतर्क रहता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है एक भारत की विदेश नीति की, तो वो महत्वपूर्ण आधार है, महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांत है जो आज भी भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्व माने जाते हैं। आज भी हम भारतीय विदेश नीति के उस ठोस तत्वों में उसको शामिल कर सकते हैं। पंचशील के सिद्धांत जो भारतीय विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि हम जिसको जो हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो भारत ने अन्य राष्ट्रों के सामने भी उस सिद्धांत को रखा कि पंचशील का पालन जो है वो भारतीय विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आधारभूत तत्व है। भारत उन्हीं पंचशील के सिद्धांतों पर भारत ने चलकर इस दुनिया को एक 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 राह दिखाई, शांति की राह दिखाई, दुनिया को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का रास्ता दिखाया और विश्व में भारत ने अपनी पहचान जो है एक शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में बनाई है। तो विदेश नीति के जो तत्व हैं भारत के, उसका हम डिटेल में उसका हम पढ़ेंगे इसको पॉइंट्स में कि भारतीय विदेश नीति के जो मुख्य तत्व है उसमें हम किस प्रकार से भारत की विदेश नीति को और अच्छे से उसको हम यथार्थवादी बना सकते हैं, मतलब आदर्शवाद का और यथार्थवाद का जो समन्वय है भारतीय विदेश नीति में वो आज की वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री का जो समय है या उस समय विभिन्न प्रधानमंत्री जो अब के आए, जैसे तो उन्होंने हमेशा से भारतीय विदेश नीति में आदर्शवाद को और यथार्थवाद का एक समन्वित रास्ता, एक मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास किया, ताकि भारतीय विदेश नीति जो है वो मजबूत हो। क्योंकि राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करना भी किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। तो राष्ट्रीय हितों
को देखते हुए हमारी विदेश नीति में आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवादिता के तत्वों को भी शामिल किया गया, यथार्थवाद को शामिल किया गया, ताकि हम अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर सकें। क्योंकि चीन जैसे, पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसी राष्ट्र है, जो भारत से हर समय शत्रुता या मित्रता की भावना रखते हैं, तो उस स्थिति में भारतीय विदेश नीति में व्यवहारिकता के तत्व होना या एक कठोर नीति को अपनाना भी जरूरी है। धन्यवाद।